मुश्किल हो रहा है। दीवान जी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर केवल इसलिए पैर पसार रही है क्योंकि हमारे कुछ देशवासी तिरंगियों के फेंके टुकड़ों पर देश से गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन इतिहास साक्षी है कि थेवर वंश कभी झुका नहीं। ये सच है महाराज, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी तो फरेब की नींव पर ही खड़ी है। हमारे देशवासियों को जमीन और कंपनी में अच्छे ओहदों का लालच देकर उन्हें अपनी भूमि पर बंधुआ बना रहे हैं। अगर यही हाल रहा महाराज तो एक दिन कंपनी शिवगंगा में भी अपना कारोबार। ऐसा कभी नहीं होगा। मारवाड़ों की राजधानी शिवगंगा में फिरंगी कभी प्रवेश नहीं कर सकी। राजपूत सैनिकों के तलवार के आगे फिरंगी टिकी नहीं। देश के अन्य हिस्सों में जागीरदारों, सामंतों और मालदारों से मिलकर फिरंगी आतंक मचा रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं महाराज। लेकिन दीवान जी, हमारी प्रजा में ऐसा कोई नहीं जो फिरंगियों की चाल में फंस जाए, बल्कि शिवगंगा ही फिरंगियों के लिए फंदा है। दीवान जी, हमारी प्रजा हमारे बारे में क्या राय है? देवर वंश में आपकी नीतियों और आपके कार्यशैली से जनता प्रसन्न है। शिवगंगा में आम नागरिक, कृषक, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं आपका यशोगान करते नहीं थकते महाराज। हम आभारी, देवर वंश ने अपनी प्रजा को हमेशा अपनी औलाद समझा। हम उनके सुख दुख में शामिल थे। हमारे लिए हमारी प्रजा ही हमारा परिवार, और परिवार पर कोई संकट आए इसे हम सहन नहीं करेंगे। दीवान, फिर मुझे क्या आदेश है महाराज? आप थेवर वंश का एक अभिन्न अंग, आपकी सलाह और नीतियों पर चलकर ही शिवगंगा समृद्ध। आप न केवल एक कुशल राजनीतिक हैं, अभी तू वीर सेना नायक हूं। मेरा सौभाग्य है महाराज कि मैं शिवगंगा की सेवा में हूं। दीवान जी, जी महाराज, आप अपने तौर पर सामंतों और साहूकारों से गुप्त चर्चा कर उन्हें फिरंगियों की योजना से अवगत कराएं। मुझे विश्वास है कि वो आपकी बात अवश्य मानेंगे। अवश्य महाराज, मैं शिवगंगा के सामंतों को समझा लूंगा, परंतु दस्युओं का जो की रानियों में से एक। इनका जन्म 3 जनवरी 1730 को राजा मन्नारसेला मुथु सेतुपति और रानी सकंदी मुथल के यहाँ राजनाथ राज्य में हुआ। इकलौती संतान होने के नाते राजा अपनी पुत्री वेलु को राजकुमार की तरह ही रखते थे। राजकुमारी वेलु युद्ध कौशल की सभी विधाओं में पारंगत थी। उन्हें उर्दू, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। 16 की आयु में उनका विवाह शिवगंगई के महाराज मुथु बटुकनाथ थेवर के साथ संपन्न हुआ। बहुत जल्द ही वेलु ने शिवगंगई का राजकाज संभाल लिया और महाराज के कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। वेलु नाचियार भारत की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी है। इन्होंने प्रथम महिला आर्मी का निर्माण किया जिसका नाम उदियाल रखा गया। उदियाल उनकी पुत्री का नाम था जिसे उन्होंने गोद लिया। आज हमारा नाटक ग्रामीणा वेलु नाचियार के जीवन के कुछ दृश्य दिखा रहा है, तो आइए देखते हैं नाटक रणभूमि की नायिका वीरांगना वेलु नाचियार।
ही सारा राजपाट संभाला, तो आपको तो युद्ध कौशल आना ही चाहिए। महाराज सेनापति, आज से राजकुमारी को युद्ध कौशल सिखाने की जिम्मेदारी आपकी। जैसी आज्ञा महाराज। Thank you.
अपनी पत्नी के रूप में तुम जैसी वीरांगना को पाकर समूचा थेवर वंश प्रसन्न है। थेवर वंश और शिवगंगा के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है महाराज। मैंने आपके शौर्य और बल को देखा। जब तक कंपनी सरकार का विनाश कर मैं स्वतंत्रता संग्राम में विजयी ना हुआ, तब तक क्या आप मेरा इस मुक्ति युद्ध में कदम कदम के साथ देंगे? मैं कृतार्थ हूँ। आपने तो मेरे हृदय की बात कही। देश और राज्य की रक्षा कंपनी सरकार से लोहा लेने के लिए यदि मैं कुछ कर सकी तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आप धन्य हैं महाराज। शिव गंगा? नहीं नहीं, शिव गंगा
और मेरू तो चार पति हुजूर देखना अब मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक है बटे, तुम शिव गंगा के नारायण महल में जाओ और बटुकनाथ की प्लानिंग का पता लगा कर आओ। शिव गंगा पर हमारा राज होगा। मिस्टर जैक्सन ये सब इतना आसान नहीं है।
लोग बटुकनाथ को अपना राजा मानता है और राजा अपनी प्रजा को अपनी औलाद। ऐसे में कोई भी शिव गंगा के साथ गद्दार नहीं करेगा। मिस्टर बोलंदो, तुम बहुत बेवकूफ है। पैसा पैसा सब कुछ करा सकता है। ये इंडियन लोगों को पैसा बहुत अच्छा लगता है। पैसे से किसी को भी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। You are absolutely right. पर ये इंडियन पैसे की खातिर अपने देश को नहीं बेचेगा। ये इंडिया को मदर होता है। मिस्टर गोंदो, तुम सच में बहुत बेवकूफ है। इंडिया में हमारे लिए काम करने वालों की कमी नहीं है। तुम्हारे लिए बस एक सरप्राइज है। सरप्राइज? यस। कम इन। कट्टू का भाई फट्टू भी हमारे साथ। फट्टू नहीं फट्टू अच्छा फट्टू। ओके ओके व्हाटएवर। ये हमारे साथ काम करने के लिए तैयार। इसे वेलू से अपने भाई के खून का बदला लेना है। इसे शिव गंगा के सारे गुप्त रास्तों की नॉलेज है और शिव गंगा के बहुत से लोगों से दोस्ती भी है। लेकिन बटुकनाथ और वेलू ने कसम ली है कि जब तक ब्रिटिश कंपनी को अपनी जमीन से भगा नहीं देता चैन का सांस नहीं लेगा। इस तरह तो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। ब्रिटिश फौज की ताकत और कूटनीति के बारे में वो नहीं जानता। ब्रिटिश फौज की ताकत के सामने उसके सिपाही टिक नहीं पाएंगे। कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिए जाएंगे और फिर शिव गंगा पर हमारा राज होगा। क्या कट्टू का भाई भी फौज के साथ जाएगा? अब फौज जाएगा। उसने अपने साथ दोनों सामंतों को मिला लिया है और इन्हीं दोनों सामंतों ने हमारी फौज को शिव गंगा के किनारे पहुंचने का जिम्मा लिया है। अब बटुकनाथ ज्यादा दिनों तक शिव गंगा पर राज नहीं कर सकेगा। मिस्टर बोंडो, मिस्टर जैक्सन, फौज को शिव गंगा के लिए रवाना किया जाओ। कट्टू पट्टू फट्टू फट्टू नहीं पट्टू अच्छा पट्टू। मिस्टर बोंडो फॉलो मी। यस सर।
इसलिए चाहे तो आपकी होनी चाहिए।
कर दीजिए हुजूर, माफ कर दीजिए। हुजूर, कंपनी सेना कूच करती हुई बेगरी नदी के किनारे पहुंची तो सामंतों के सिखाए बल्लाओं ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और सेना को नदी के पार ले जाने का हुजूर ठेका ले लिया। हुजूर ठेका ले लिया अपने हाथ के शस्त्र सहित फिरंगी सेना। ब्रिटिश सेना दो बड़ी नावों में सवार हुई और दोनों बल्लाओं ने मझधार में जाकर एक दूसरे को इशारा किया और देखते ही देखते सारे फिरंगी ब्रिटिश सेना काल के कास में सवार गई और मैं किसी तरह बचकर भाग आया। वो तो तुम नहीं मर जाता, तुम क्यों बच गया? बच गया अच्छा ही हुआ, अगली बार हमारी लड़ाई में बहुत कम आएगा। अगली बार नहीं हुजूर, बहुत जल्द बहुत जल्द शिव गंगा वासी उत्सव मना रहे हैं। भी शिवगंगा के बाहर गया है। ऐसे में अगर हमने हमला किया तो जीत हमारी होगी, हमारी हुजूर हमारी। लेकिन हमारे पास इतना फौज नहीं है। मिस्टर जैक्सन, तुम मौका एकदम हमारा फेवर है। तुम मद्रास से और फौज मंगवा लो। मद्रास में हमारी फौज बड़ी ताकत है और आखिर हमारे हथियारों का जखीरा किस दिन काम आएगा। सारी ताकत लगा देते हैं इस बार शिवगंगा पर, हम अपना झंडा देखना चाहते हैं। तो ठीक है, हमारी बची हुई फौज को दोबारा शिवगंगा रवाना किया जाए। मैं दूसरी तरफ से मद्रास तक फौजों को भेजता हूँ। इस बार दो तरफ से हमला किया जाएगा। मैं चलता हूँ, मुझे और भी इंतजाम करना है। इस बार चूक नहीं होना चाहिए। नहीं होगी हुजूर, इस बार चूक नहीं होगी। मुझे भी तो वेलुस से अपने भाई के मौत का बदला लेना है। कमान फट्टू, फट्टू नहीं हुजूर, फट्टू अच्छा फट्टू।
Thank you.
फौज ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, यहां से बच निकलना ही बेहतर होगा।
युद्ध क्षेत्र से भागना कायरता है दीवाजी, हमें युद्ध लड़ना ही होगा, वीर गति को प्राप्त करना ही होगा। किंतु अभी हमारे पास अवसर है, हम तुम्हारा शक्ति लुटाकर तिरंगियों से शिवगंगा को मुक्त कर सकते हैं। वीर गति की इच्छा से तिरंगियों के हाथों मरना आत्महत्या कहलाएगी। अब हमारे साथ चलिए। कहाँ जाएंगे दीवाजी? दिंडीगढ़ के रास्ते होते हुए शाह मैसूर टीपू सुल्तान के पास। महाराज की यही अंतिम इच्छा है। शिवगंगा पर फिर तेवर वंश
का राज कायम होगा। आप लोग आराम कीजिए। सुन लिया है रास्ता एक आवाज ने, बन गया है एक समा उसके जहन में, जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराता है ऐसा पागल। सांस तो सब लेते हैं मगर जीते बहुत कम हैं। हुजूर आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपनी सर ली। पंडित जी जिम्मेदारी जब बड़ी होती है तो अच्छी होती है। एक बहादुर और जाबाज औरत अंग्रेजों के खिलाफ शेरनी बनकर लड़ रही है। अब आप ही बताइए ऐसे वक्त शेरे मैसूर डर के मारे अपनी मांग में छिपा बैठा है। हमें हमारा जमीर ही हमारी नजरों से गिरा देगा। मदद की फरियाद देकर आइए, जावाज औरत की मदद कर हम फक्र महसूस करेंगे। बेलू नाचियार की आन बान शान के लिए हम जान की बाजी भी लगा सकते हैं। चाहे मैसूर की कुछ दान कर
जहाँ पे जाता है सारा मक्कार Thank you.
की तरह वो भी मारी जाएगी। और बट मेरे चल के पास सिपाही ही बचे कितने हैं? योर हाइनेस, महारानी रेनु की फौज महल तक पहुंच चुकी है। आप भी गिर चुके हैं। गिर चुके हैं? What the hell are you saying? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लोग
आपके शौर्य और पराक्रम पर शिवगंगा का हर आदमी गर्व करता। अंग्रेजों से मुक्ति दिलाकर अपने मातृभूमि का ऋण चुका दिया। महारानी, परिकल्पना और निर्देशन सुश्री विभा श्रीवास्तव। हम विभा जी को बहुत ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस नाटक के लेखक थे स्वर्गीय श्री तारिक डार। सुश्री अनिता दास यदि इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, सभागार में मौजूद हैं, तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आएं। सुश्री अनिता दास एक कलाकार हमारे बीच से चला जाता है, लेकिन बिल्कुल हमारे बीच बना रहता है, जिसकी याद दिलाता रहता है। तारिक जी का लिखा ये नाटक हमने देखा, जाहिर उनकी याद हमारे आसपास बनी रही। हम कार्यक्रम समन्वयक श्री प्रदीप अग्रवाल जी से आग्रह करते हैं कि वे कृपया मंच पर पधारें और विभा जी और अनिता जी का स्वागत करें। बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। और अब विभा जी से निवेदन है कि वे दर्शकों से कलाकारों का परिचय कराएं। बहुत धन्यवाद। मैं अपने पात्रों से परिचय करा दूं आपका।
है अंग्रेज की लड़की का बैंजो की भूमिका में नीरज श्याम। हमारे
भाई शराफत अली जी। इसके साथ ही आज की नाट्य सभा अब यहीं संपन्न होती है। हम आपसे विदा लें उससे पहले आपको याद दिला दें कि कल आप देखेंगे नाटक जननायक टंटिया मामा, निर्देशक श्री प्रवीण चौबे, प्रस्तुति लोक गुंजन नाट्य